बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वहीद रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलम की खुशबू। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स की के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, इफ y वेरीज डायरेक्टली एज q x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t, देन फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 2, z is equal to 3 and t is equal to 4। जबकि इसके साथ हमने कांस्टेंट को जो की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इनके मुताबिक करनी है, यानी y is equal to 16, x is equal to 4, z is equal to 2 and t is equal to varies directly as x cube inversely है z square t। तो वेरिएशन को खत्म किया कांस्टेंट में, कांस्टेंट साथ आ गया तो x क्यूब ओवर z स्क्वायर t y। अब k को एक साइड पे अकेला करते हैं तो इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा z स्क्वायर t ओवर x क्यूब इक्वल टू k। तो k की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है तो y इंटू z स्क्वायर t ओवर x क्यूब, तो k इज इक्वल टू, यहां पे y की वैल्यू हमारे पास वहां 16 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय z की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, और t की वैल्यू हमारे पास 3 है और x की वैल्यू हमें दी गई है 4 तो 4 का क्यूब। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, अब 16 2 का स्क्वायर इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 का क्यूब का मतलब 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। तो यहां पे 16 1 जार 16, 16 4 जार 64, 4 4 1 जार 4, 4 4 जार 4, 4 1 जार 4, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब y is equal to k y is equal to, यहां पे हमने ये वेरिएशन को खत्म करते हैं तो k into x cube over z square t। तो यहां पे उसने हमसे y की वैल्यू को फाइंड रिक्वायर किया है कि y की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की तो वो 3 है और x हमारे पास उसने दिया हुआ है 2 तो 2 का क्यूब ओवर z हमें उसने 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर इनटू हमारे पास t है 4 तो 4 मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ तो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर है 2 का क्यूब है तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 तो 2 के क्यूब का मतलब 8 आ गया ओवर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर है तो ये 9 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, नीचे सिर्फ 3 रह गया तो 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 ओवर 2। इसके साथ ही क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।